की आध्यात्मिक शख्सियत दादी हृदय मोहिनी जी आज पंचतत्व में विलीन हो गई। देश और दुनिया में अध्यात्म जगत में बड़ी शख्सियत दादी हृदय मोहिनी का पार्थिव शरीर शनिवार को ब्रह्म कुमारी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड स्थित शांतिवन में पंचतत्व में विलीन हो गया। हृदय मोहिनी संस्थान की मुख्य प्रशासिका थी। 94 वर्ष राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का देवलोक गमन 11 मार्च को मुंबई के सैफी अस्पताल में हुआ और वह कुछ समय से अस्वस्थ थी। संस्थान के शांतिवन परिसर में दादी के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया और देश और दुनिया से आए प्रमुख भाई बहनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत समेत देश के कई मुख्यमंत्री ने शोक संदेश पढ़कर सुनाए। इसके बाद 10 बजे उन्हें मुखाग्नि दी गई। जब दादी को अंतिम विदाई और मुखाग्नि दी जा रही थी तो उस समय पूरा माहौल भावहीन हो गया। संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय तथा दादी की निजी सचिव रही बीके नीलू ने मुखाग्नि दी। एक तरफ दादी का अंतिम संस्कार चल रहा था तो दूसरी तरफ संस्थान के परिसर में स्थित डायमंड होटल में सैकड़ों लोग योग साधना में जुटे थे। दादी ने 8 दशक में से लंबे आध्यात्मिक सफर के दौरान संस्थान में अलग अलग पदों पर लाखों लोगों को अध्यात्म की तरफ मोड़ा। देश और दुनिया की तमाम नामचीन हस्तियां दादी की आध्यात्मिक विराटता से अभिभूत थी। आज 140 देशों में ब्रह्म कुमारी संस्थान आध्यात्मिकता का अलग जगा रही हैं और दुनिया भर में लाखों लोग राजयोग, मेडिटेशन और आध्यात्मिक जीवन को अपना रहे हैं। 85 साल पुरानी इस आध्यात्मिक संस्थान की फाउंडर मेंबर में से एक थी। संस्थान का कहना है कि दादी द्वारा दी गई शिक्षा और ईश्वरीय अनुभूति का ज्ञान हमेशा लोगों को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है।